का प्रशासन के खिलाफ आक्रोश, कार्रवाई की मांग। यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी से जुड़ी महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ गांधी समाधि पर धरना दिया। जिला प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जिसमें नगर मजिस्ट्रेट और पुलिस पर मारपीट व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार रामपुर में किया जा रहा है। आज मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने आज तक ऐसा गुंडा राज और ऐसा प्रशासन का नंगा नाच अपने रामपुर के अंदर नहीं देखा जो आज देख रही हूँ। 22 तारीख को 23 को वोट पड़ना थे, 22 तारीख को इन सारी महिलाओं के साथ जिला अधिकारी के आदेश पर उनके कहने से जो बदतमीजी की गई है, इनके कपड़े फाड़े गए, इनको डंडों से मारा गया, इनके कपड़े खींचे गए, इनकी बेइज्जती की गई। कौन से कानून से, कौन सा कानून ने इनको हक दिया था जिन्होंने ऐसा किया है? सिर्फ इसलिए कि औरतें डर के मारे घर से ना निकले वोट डालने के लिए जाए? अरे अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है। डीएम साहब तुम हराते भी अल्लाह ताला ने जिता दिया, कितनी कोशिशें करोगे तुम? डंडे किसने मारे? डंडे डंडे पुलिस ने, कितने मारे पुलिस ने मारे? एडीएम ने पिटवाया, सिटी मजिस्ट्रेट ने पिटवाया, जिला अधिकारी के कहने से, जिला अधिकारी के एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, इनको बोलने दो। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे आगे? ये बताओ अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? 22 तारीख को जब ये वोट खुले हैं, इसके बाद में जो महिलाओं के साथ में हुआ है इस शहर में, वो किसी को सबको पता है। पुलिस वालों ने जो अत्याचार किए हैं महिलाओं के साथ में, उनको रोका गया घर में, उनके साथ वो दरवाजों पे खड़े, उनके दरवाजे तोड़ दिए गए, उनके पेटों में लाठी और डंडे डालकर उनके साथ बर्तन फेंके, उनको गालियाँ दी हैं। क्या इस तरह से व्यवहार किया जाता है? क्या इस तरीके से महिलाओं का सम्मान दिया जाता है? महिलाओं का सम्मान कहाँ गया? जब एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियों का हाल ये किया जा रहा है, इस तरह से क्या देश चलता है? अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी ये मांग है कि हमें सभी महिलाओं को इंसाफ चाहिए, ये इंसाफ हम लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अपना हक को लड़कर लेंगे।